इस वेले दी वड्डी खबर, पंजाब दे विच इक होर नौजवान दा कतल कीता गया। कुछ नौजवानां दे वल्लों तेज तार हथियारां दे नाल इस वारदात नूं अंजाम दिता गया। दस दिए कि इक प्रोग्राम दे विच इह वारदात कीती गई। डीजे ते भंगड़ा पाउंदे समें कुछ नौजवानां दी बहसबाजी हुई, जिस ने खूनी रूप धार लिया। गाली गलोच तो बाद नौजवानां ने इस शमशेर सिंह नां दे नौजवान नूं फड़िया और तेज तर हथियारां दे नाल इसका कतल कर दिता। यह मामला तरन तारण के पिंड भैल ढाई वाला तो सामने आया। कतल किए नौजवान का नाम शमशेर सिंह सी, जिसकी उम्र 22 साल की सी। यह नौजवान इसे पिंड भैल ढाई वाला का रहन वाला सी। सो पंजाब दे विच एक होर वड्डी वारदात हुई। डीजे ते भंगड़ा पाउंदे समय कुछ नौजवानों के वलों शमशेर सिंह नाम के नौजवान का कतल किया। तेज तार हथियार मार मार के मौत दे घाट उतारिया गया। तरन तारण के पिंड भैल ढाई वाला दे विच एक वड्डी वारदात हुई। डीजे ते भंगड़ा पाउंदे समय गाली गलोच होया, उस तो बाद खून खराबा। तस्वीर दे विच नजर आ रहा यह नौजवान उही है, जिसका कुछ नौजवानों के वलों डीजे ते भंगड़ा पाउंदे समय कतल किया गया। मेरा नाम सलविंदर सिंह आ। ये लड़का मेरा भतीजा वा। इहदा नाम शेरा वा। इहदे पिता का नाम जोगिंदर सिंह आ। मेरा वड्डा वड्डे भरा का पुत्र आ। इत्थे इन्हां दे गवांढ लागे धमाण आ। लड़की का किसी ने किया, उन्होंने उत्थे सारे गए आ। ये मुंडे भी आए आ जिन्हां ने इहनूं मारिया। उत्थे कोई डीजे डाजे तों गल होई आ, तो उत्थे इन्होंने फड़ के मुंडिया ने कहते किरचां मारतियां। किरचां मार के सारा ढिड पाड़ता, इहदी डैथ हो गई है। कल्ला कल्ला किस तरह है? ये तीन भरा वा। वो मुंडे कौन है जिन्हें मारिया है? वो मुंडे भी लागू उन्हां दे आ, जिन्हां दे घर धमाण है। अच्छा, उन्हें मारिया? हाँ, उन्हां दे आ। की मंग करदे जी कारवाई दी? असीं प्रशासन तो ये कारवाई की मंग करते हैं कि इन्हां नूं कड़ी तो कड़ी सज़ा होनी चाहीदी आ। इस वेले दी वड्डी खबर, पंजाब दे विच इक होर नौजवान दा कतल कीता गया। कुछ नौजवानों दे वलों तेज तार हथियारां दे नाल इस वारदात नूं अंजाम दिता गया। दस दिए कि इक प्रोग्राम दे विच इह वारदात कीती गई। डीजे ते भंगड़ा पाउंदे समय कुछ नौजवानों की बहसबाजी हुई, जिस ने खूनी रूप धार लिया। गाली गलोच तो बाद नौजवानों ने इस शमशेर सिंह नां दे नौजवान नूं फड़िया और तेज तर हथियारों के नाल इसका कतल कर दिता। यह मामला तरन तारण के पिंड भैल ढाई वाला तो सामने आया। कतल किए नौजवान का नाम शमशेर सिंह सी, जिसकी उम्र 22 साल की सी। यह नौजवान इसे पिंड भैल ढाई वाला का रहन वाला सी। सो पंजाब दे विच एक होर वड्डी वारदात हुई। डीजे ते भंगड़ा पाउंदे समय कुछ नौजवानों के वलों शमशेर सिंह नां दे नौजवान का कतल किया। तेज तार हथियार मार मार के मौत दे घाट उतारिया गया। तरन तारण के पिंड भैल ढाई वाला दे विच इह वड्डी वारदात हुई। डीजे ते भंगड़ा पाउंदे समय गाली गलोच होया, उस तो बाद खून खराबा। तस्वीर दे विच नजर आ रहा यह नौजवान उही है, जिसका कुछ नौजवानों के वलों डीजे ते भंगड़ा पाउंदे समय कतल किया गया। मेरा नाम सलविंदर सिंह आ। ये लड़का मेरा भतीजा वा। इहदा नाम शेरा वा। इहदे पिता का नाम जोगिंदर सिंह आ। मेरा वड्डा वड्डे भरा का पुत्र आ। इत्थे इन्हां दे गवांढ लागे धमाण आ। लड़की का किसी ने किया, उन्होंने उत्थे सारे गए आ। ये मुंडे भी आए आ जिन्हां ने इहनूं मारिया। उत्थे कोई डीजे डाजे तों गल होई आ, तो उत्थे इन्होंने फड़ के मुंडिया ने कहते किरचां मारतियां। किरचां मार के सारा ढिड पाड़ता, इहदी डैथ हो गई है। कल्ला कल्ला किस तरह है? ये तीन भरा वा। वो मुंडे कौन है जिन्हें मारिया है? वो मुंडे भी लागू उन्हां दे आ, जिन्हां दे घर धमाण है। अच्छा, उन्हें मारिया? हाँ, उन्हां दे आ। की मंग करदे जी कारवाई दी? असीं प्रशासन तो ये कारवाई की मंग करते हैं कि इन्हां नूं कड़ी तो कड़ी सज़ा होनी चाहीदी आ।